बाराबंकी में घर से मजदूरी करने गए एक युवक की सड़क दुर्घटना में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। बता दें कि थाना दरियाबाद ग्राम काजी कपुरवा निवासिनी मंगला पत्नी सुरेंद्र ने कोतवाली रामसनेही घाट में प्रार्थना पत्र लेकर आरोप लगाया है कि रात्रि 8 बजे तिलक पुत्र राम सागर निवासी मथुरा नगर स्टेशन दरियाबाद के लिए मेरे पति को बुलाकर काम करने हेतु ले गए थे। रात्रि में पति के वापस न आने पर इधर उधर पता किया तो कोई जानकारी नहीं मिली। रात लगभग 12 बजे मंगला को सूचना मिली कि तुम्हारे पति सुरेंद्र का हिंद डिग्री कॉलेज के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया है, जहां एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक की 5 संतानें हैं, जिसमें बड़ी लड़की शिवानी उम्र लगभग 8 वर्ष, सलोनी 6 वर्ष, प्रदीप 5 वर्ष, संदीप 3 वर्ष, सरिता 1 वर्ष की है। मृतक की माता ननका पत्नी नारायण ने कहा कि अब इन संतानों का जिम्मेदार कौन होगा, जबकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं जब मंगला घटना की जगह पहुंची तो अगल बगल के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर धीरज कल्लू सोनू राम सागर ने ट्रैक्टर ट्राली जानबूझ कर चढ़ा दिया। कोतवाली प्रभारी विनोद बाबू मिश्र ने बताया कि मृतक की पत्नी मंगला देवी के द्वारा दी गई शिकायत पर अभियोग दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।